मुरादाबाद शिवसेना उत्तर प्रदेश द्वारा बिजली की बड़ी दरें एवं पुष्पेंद्र हत्याकांड का सीबीआई जांच कराने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। वह एक ज्ञापन भारत सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि परिवहन विभाग का नया काला कानून एवं विद्युत की बड़ी दर तत्काल वापस लेने पर पुष्पेंद्र यादव फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने की मांग करता है। जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल ने बताया कि पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई की मार से प्रदेश की जनता पहले से ही त्राही त्राही कर रही थी। ऊपर से परिवहन विभाग का काला कानून व बिजली की बड़ी दरों से जनता को पूरी तरह से निचोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की शहरी बिजली की दरें 12% एवं ग्रामीण बिजली की दरों में 25% का फिक्स चार्ज में 10% की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं परिवहन विभाग के नए कार्य कानून के अनुसार हेलमेट न होने पर 100 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। अतः सिर्फ सैनिक तत्काल परिवहन विभाग का नया काला कानून व बिजली की बड़ी दरें वापस लेने व पुष्पेंद्र यादव फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने की मांग करता है। अन्यथा सिर्फ सैनिक अनिश्चित काल के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के संबंध में प्रदर्शन किया गया। आज सिर्फ सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन में पुष्पेंद्र यादव फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। विद्युत की बड़ी दरें वापस लेने की मांग करते हैं। परिवहन विभाग का काला कानून वापस लेने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि प्रदेश की जनता महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी, लूट, हत्या, डकैती आदि की घटनाओं से त्राही त्राही कर रही है। ऊपर से प्रदेश सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। केंद्र सरकार ने परिवहन विभाग का नया काला कानून लागू कर दिया है और प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। पूरे देश में अब तक 4000 फर्जी एनकाउंटर हो चुके हैं। शिवसैनिक फर्जी पुष्पेंद्र यादव फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। परिवहन विभाग का काला कानून एवं विद्युत विभाग की बड़ी दरें शीघ्र ही वापस लेने की मांग करते हैं। अन्यथा शिवसैनिक अनिश्चितकालीन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे।